उत्तर प्रदेश के बरेली में एसओजी सर्विलांस टीम और थाना बारादरी की संयुक्त टीम ने मिलकर लोगों के बंद घरों से ताले तोड़कर लूट डालने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। बरेली पुलिस ने 5 अभियुक्तों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, थाना बारादरी पर 9 जुलाई को नमन कुमार पुत्र प्रमोद कुमार निवासी डीडीपुरम थाना बारादरी के रहने वाले हैं। उस दिन जब वो घर पर ताला लगा कर गए थे, उस वक्त इन अज्ञात चोरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। बरेली पुलिस ने अपनी कड़ी मशक्कत के बाद यासीन सरफराज और नवीन, जो कि जनपद हापुड़ का रहने वाला है, और अन्य 2 आरोपी वसीम उर्फ कालिया और उस्मान, जिला गाजियाबाद के रहने वाले हैं। पुलिस ने इन 5 आरोपियों को आज बिल्बा पुल के पास से गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के पास से घटना में प्रयोग की गई I-20 कार, नकदी और आभूषण प्राप्त हुए हैं। पर जो वादी है नमन कुमार गुप्ता, इनके द्वारा एक तहरीर दिया गया। तहरीर में इनके द्वारा अपने घर पे चोरी की घटना का जिक्र किया गया था, जिसके संबंध में थाना बारादरी पर 457-380 IPC के तहत अज्ञापन के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और इसमें जो है टीमें लगा दी गई थी, जिसमें सर्विलांस की टीम, एसओजी और जो हमारे थाना बारादरी की पुलिस है, सब लगी हुई थी, अलग अलग टीमों पर काम कर रही थी। और आज इस घटना का सफलावरण कर दिया गया। कितने लोग गिरफ्तार किए हैं इसमें? इसमें 5 लोग गिरफ्तार है और 1 लोग फरार हैं। ये लोग, ये जो अलग अलग जनपदों के रहने वाले हैं, इसमें कुछ लोग जो है गाजियाबाद के रहने वाले हैं, कुछ लोग जनपद हापुड़ के रहने वाले हैं, और ये अपने यहाँ से अपने जनपद के दूरस्थ जनपदों में ये चोरी करते थे, ताकि जो है वहाँ की जो पुलिस है उसको शक न हो पाए, और जिस जनपद में घटना को अंजाम देते थे वहाँ की पुलिस को भी इसके शक न हो पाए। ये उस रात घटना के दिन आए थे और आसपास के जो मोहल्ले हैं वहाँ पे रेडी कर रहे थे कि कौन सा घर जो है बंद है, तो इस आधार पर इन्होंने एक घर को बंद पाया। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।